ओके अज का साडा टॉपिक जरा अं डिस्कस करन जा रहे हैं साडा जरा लास्ट वीडियो शेयर की सी इलैक्ट्रिक फील्ड बारे की होंगी या मैथमेटिकल एक्सप्रैशन की होंगे किसी पॉइंट चार्ज के लिए उन्होंने रिप्रजेंट कि करते हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है कि इसनों असी फोर्स लाइन भी कह दें हैं और फोर्स लाइन भी कह दें हैं फोर्स लाइन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइन आही शब्द है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बस लाइन्स आ, वो स्ट्रेट हो सकती है वो कर्व हो सकती है। मतलब कि हुण मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मान लो कि आ एक चार्ज आ, पॉजिटिव चार्ज आ साडे पास, तां असीं कल डिस्कस कीता सी कि इहदे आले दुआले जिहड़ी स्पेस आ रीजन आ जिथे इस दे असर नूं इस दे इनफ्लुएंस नूं इस दे इफेक्ट नूं महसूस कीता जा सकदा। ठीक है, चाहे कोई दूआ चार्ज करे जां तुसीं कोई बॉडी करे तां असीं उत्थे कहांगे कि जी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ। ठीक है मेरा बेटा, मान लो कि आ चार्ज साडे बोर्ड दे इस पैटर्न तो बाहर पे गया। ठीक है, और बाहर चला गया, हुण ये तो बाहर चला गया, इट मीन इत्थे की इसका असर हैगा? बिल्कुल हैगा कि जे मैं चार्ज ये तो बाहर रखता है तो इसकी इलैक्ट्रिक फील्ड इसका असर इत्थे हैगा। पर हुण इसनों रिप्रजेंट किदा किया जाए, इसनों रिप्रजेंट करन दा तरीका हैगा इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजनरी लाइन्स आ जेड़ियां की रिप्रेजेंट कर दिया कि इत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड हैगा, मतलब किसे ना किसे चार्ज का इत्थे असर हैगा, असी इसनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहने हैं। यह स्ट्रेट हो सकदियां ने, सीधियां हो सकदियां ने, यह कर्व्स हो सकदियां ने, ते इहनूं ड्रॉ किदां करांगे पॉजिटिव चार्ज लई नैगेटिव चार्ज दे लई, पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज दोनों दे लई, दोनों पॉजिटिव चार्ज ते चार्ज किसी भी तरीके लई, उहदा फिनोमिना की आ। सब नूं पहलां मैं पॉजिटिव चार्ज नूं डिस्कस करदा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, हुण मैं कहना कि आ साडे कोल एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके, मैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनानी है, मैनू उस मैं बोलिया स्ट्रेट्स भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, की कंडीशन है वो किदां दी होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखनी है तुहानू एक होर चार्ज लेना पड़ना, इहनू असीं बोल दांगे यूनिट। सब नूं इंपोर्टेंट गल की होना चाहिए, पॉजिटिव यूनिट, असी पिछले लैक्चर में गल कीता यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, आ साडे कोल सोर्स चार्ज है, असी इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, हुण ए बड़ा सोर्स चार्ज है साडे कोल क्यों पॉजिटिव। ठीक है मेरा बेटा, ओके, इस दी हेल्प नाल आपां इस दे बारे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी विद द हेल्प ऑफ द क्यू नॉट चार्ज। हुण बहुत सौखी जी गल आ, क्या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर जिधर नू जाई जाएगा इहदे लागे इत्थे रखता है, ये जिधर नू जाएगा समझ लो उही पाथ जिस रास्ते दे चार्ज इहदे कोल रखे ते जाएगा उही इस चार्ज दी इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी। हुणे दो चार्ज ओके ते लाइन ज्वाइनिंग फोर्स हुंदी है, मतलब आ चार्ज दे सेंटर तों आ चार्ज दे सेंटर नू फोर्स लगनी है, फोर्स इधर नू लगनी है, इहदा मतलब इह चार्ज इस पाथ ते मूव करेगा, मतलब इत्थों जे इत्थे मैं रखांगा ते चार्ज इधर नू जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट गल है। हुण इही चार्ज जे मैं इस पॉइंट ते रख दवां दैन नाउ क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हुण इह फोर्स इधर नू लगेगी, आही चार्ज हुण जे मैं इस पॉइंट ते रख दवां इह फोर्स इधर नू लगेगी, आही चार्ज जे मैं इत्थे रखा तां इह फोर्स पॉजिटिव चार्ज नू बाहर नू पुश करेगा, और जे मैं इस पॉइंट ते रखा मेरा बच्चा क्यू नॉट चार्ज रखिया जेड़े पाथ ते यह जाएगा, जिस पाथ ते यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जाएगा उही पाथ उस पॉइंट ते इलेक्ट्रिक फील्ड दा होएगा। आ जिहड़ी आ चार्ज ते इस डायरेक्शन नूं फोर्स लग रही, इस साइड नूं डायरेक्शन नूं जा रहा, इस डायरेक्शन नूं फोर्स लग रही, इस डायरेक्शन नूं फोर्स लग रही, इस डायरेक्शन नूं फोर्स लग रही। ओके, हुण आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इहदे लागे रखण ते जिस साइड नूं जा रहा है उही साडे कोल डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, बस हुण हुण ए बनाने दे बाद च मैं कह सकदा कि आ की हो गई इलैक्ट्रिक फील्ड, आ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई। ठीक है, मतलब की आ कि कहे भी चार्ज दा जरूरी नहीं एक चार्ज, भावें तुसीं हजार चार्ज रख लो
जिन्हें मर्जी चार्ज रख लो उस चार्ज मान लो एक चार्ज इतने 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 बहुत सारे चार्ज है मैंने फाइंड आउट नहीं हो रहा कि ना इन्ने सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड उस पूरी फील्ड के जाके रखो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर भी चल गया जिस पाथ नूं वह मूव कर गया उधर नूं लाइन ड्रॉ कर दो उही लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी। हुण मैनूं पता लग गया कि जो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया दैट्स अ पॉजिटिव चार्ज तो लागे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखने से वह जिहड़ा मूव किया जिहड़े पाथ ते वह गया वह पाथ आह इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी। ओके ए टू डिमेंशनल आ साडे कोल बोर्ड ते बनिया होया आ असीं इसनूं समझण दी कोशिश करते हैं। मान लो कि आ साडे कोल एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ते मैं ग्रीन कलर दा मार्कर दा कह लैंदे आ आपां ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ जे मैं इस चार्ज दे लागे आ वाला चार्ज रखांगा ते किधर नूं जाएगा उपर नूं इहदा मतलब इत्थे मैं एक लाइन ड्रॉ कर ली ए लाइन रिप्रजेंट कर रही है इतने रखे तो इस पाथ से जाएगा। ओके हूँ जे मैं ये इधर रख दवा तो यह पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा और यह इधर नूं जाएगी। हूँ जे मैं इस चार्ज नूं पिछे रखा तो यह पिछे नूं इधर रिपेल होएगा जे मैं नीचे इतने रखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके इनू नीचे में ला जाएगा। हूँ जे मैं इतने रखागा ये साढ़े को इधर जे मैं पॉजिटिव चार्ज इधर रखागा इधर नू जाएगा जे मैं इधर रखागा इधर नू जाएगा जे मैं इस चार्ज नूं इस पॉइंट ते रखा इधर नूं आ जाएगा इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर नूं मूव कर ही जाएगा उधर उधर नूं साडी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन सुनगी आ मतलब इत्थे जे मैं इत्थे रखांगा इधर नूं जे मैं इधर नूं इत्थे रखांगा इधर नूं जाएगा इधर नूं ओदी सेम थले के इंस्ट्रक्शन और यह एक इंस्ट्रक्शन। ओके मतलब हम तुसी ये देख रहे हैं कि आ एक पॉजिटिव चार्ज ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है गया ने और इसकी डायरेक्शन किधर नूं होएगी जेको सारे एरो मैं आउटवर्ड पाए हुए ने और मैं लास्ट वीडियो च डिस्कस भी किया सीगा कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज दे लागे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो वो चार्ज जिस डायरेक्शन नूं फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उही डायरेक्शन उस ते इलेक्ट्रिक फील्ड की होएगी। हुण मेरा बच्चा कि असीं की गल करदे आ कि हुण सवाल बनांदा कि आ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और याद रखना ये तो मैं एक इमेजिनरी लाइन्स आ ठीक है सिर्फ रिप्रजेंटेशन ये रिप्रजेंट करते रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैगी है। ओके उदाहरण एक मैं होर दिना कि सानू इदा लोड क्यों पैंदी है रिप्रजेंट करने मान लो कि इस कमरे की इधरली साइड जिहड़ी कंध हैगी और साडे कोल पॉजिटिवली चार्ज होवे और इधरली कंध नैगेटिवली चार्ज होवे और मैं गब्बे खड़ा हां तुसीं सिर्फ मैनू देख सकते हो इट मीन मैं कहूंगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड विच बैठा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रजेंट किदां करांगे लाइन्स ड्रॉ करके असीं उह कंध भी नहीं देख रहे उह कंध भी नहीं देख रहे तो उहदे लई आपां ने की ड्रॉ कर देनी है लाइन्स ड्रॉ कर देनी है ठीक है तो यह उही लाइन्स ने। हुण इत्थे एक होर इंपॉर्टेंट गल की आ गब्बले खाली थां आ कि इत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बिल्कुल हैगी है तुसीं इत्थे चार्ज करो लाइन ड्रॉ करो तो यह इधर नूं तुर पएगा इत्थे करो इधर नूं इत्थे 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 यह सिर्फ रिप्रजेंट करन दा की है एक तरीका कि एक पॉजिटिव चार्ज के आले दुआले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किदां होणियां याद रखणियां बाहर नूं होणगियां। सौखी जी गल आसानी नाल समझण आउण वाली है ठीक है दैन असीं फिर इस्तेमाल करदे आ इहनूं ठीक है। हुण एक बार रिपीट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स ने यह सिर्फ रीप्रजेंट कर दियां आ किसी चार्ज के आले दुआले इलेक्ट्रिक फील्ड नूं ठीक है। हुण सानूं किदां पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर नूं जा रही है किधर नूं लग रही है उहदी डायरेक्शन की है वह देखने का तरीका की है एक सोर्स चार्ज लो और सोर्स चार्ज रखने के बाद यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लो
उस सोर्स चार्ज के लागे रखो, उस सोर्स चार्ज के उत्ते एक फोर्स लगेगी, वो एक एक साइड नूं मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिस पाथ नूं फ्री रखदा वो फ्रीली जिस पाथ से मूव करेगा उही पाथ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस होंगीआं। ये सारे इहदा बाहर नूं जाना चाहिए, इस करके इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस बाहर नूं हो गईआं। नाउ क्वेश्चन दिमाग च आउंदा कि जे मैं पॉजिटिव चार्ज की जगह नैगेटिव चार्ज लवां, कि पॉजिटिव चार्ज नहीं हो नैगेटिव चार्ज आ, ओके नैगेटिव चार्ज आ, तो फिर सोर्स चार्ज ही पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। हुण अहीं फिलहाल फोर्स देखनी है, हुण इह यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है नैगेटिव चार्ज आ, हुण इह सानूं पता कि बई नहीं इह रिपेल थोड़ी करनगे, इह नैगेटिव सोर्स चार्ज आ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं अपने वल्लों अट्रैक्ट करेगा, इहनूं इधर नूं खिंचेगा। फिर मैं इत्थे रख के देखिया कि बई बाहर नूं नहीं आ, इह तां अंदर नूं जाणा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नूं इहनूं इधर नूं खिंचणा, ये बाहर नूं नहीं अंदर नूं जाना, ठीक है। ये अंदर नूं, ये भी अंदर नूं, और ये भी अंदर नूं, और नॉट चार्ज, ये भी अंदर नूं। इहदा मतलब जिन्नियां भी फोर्सेज लग रही हैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ते वो इनवर्ड आ, वो अंदर नूं लग रही हैं जो नैगेटिव चार्ज है साढ़े पास। हुण जो नैगेटिव चार्ज आ साढ़े पास तो यह सारिया अंदर नूं आ रही ने, इहदा मतलब फिर दोबारा उही गल कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस कहड़ियां होणगीआं, उहदी डायरेक्शन की है इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन उही होएगी जिधर नूं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी भी सोर्स चार्ज करके, दैट्स क्लियर। एक दो तीन जिन्हें भी आ साढ़े कोल इत्थे नैगेटिव चार्ज आ, और नैगेटिव चार्ज करके ये जिहड़ा साढ़े कोल यूनिट पॉजिटिव चार्ज चार्ज आ अट्रैक्ट होएगा, इट मीन अंदरली डायरेक्शन नूं खिंचिया जा रहा चार्ज वल्लों, उहदी डायरेक्शन अंदर नूं आ, इट मीन जदों असीं कह रहे हैं कि नैगेटिव चार्ज आ तां उहदी जिहड़ी डायरेक्शन आ उह अंदर नूं, उत्ते जिहड़ा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ते फोर्स अप्लाई कर रहा उह किधर नूं कर रहा, उह अंदर नूं लग रही है, ओके इनवर्ड आ, ठीक है। इस तरीके नाल इलैक्ट्रिक फील्ड की है साढ़े पास नैगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड, मतलब के नैगेटिव चार्ज के लिए भी इलैक्ट्रिक फील्ड्स आही होएगी, बट एक छोटे जे डिफरेंस ना वो की आ कि नैगेटिव चार्ज इमेजिन करो कि नैगेटिव चार्ज आ, तो मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इतने रखता, तो नैगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, यदा मतलब वो इनवर्ड अंदर नूं आएगा, वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर नूं आएगा उही डायरेक्शन के दी होएगी इलैक्ट्रिक, जिथे मर्जी रख के देख लो तुसी जिस पाथ ते ओह चार्ज मूव करेगा उही डायरेक्शन के दी होएगी, सॉरी अंदर नूं इलैक्ट्रिक फील्ड दी होएगी, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस हो गईआं मेरा बेटा, ठीक है। और वो पहला जिहड़ा सी पढ़िया सी ओह पॉजिटिव चार्ज लई सी, और ये जिहड़ा नैगेटिव चार्ज दे लई है साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस। दो गल्लां याद रखनियां कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस पॉजिटिव लई आउटवर्ड लैणी आ और नैगेटिव लई इनवर्ड लैणी आ, और जे तुसीं इलैक्ट्रिक फील्ड पता करनी है कि वह किधरों किधर नूं लगदी पई आ, ते वह जानने का एक सौखा तरीका है कि वह लागे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो। हुण असीं की करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नैगेटिव चार्ज लेने हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि उस दे लई इलैक्ट्रिक फील्ड किस तरीके नाल एक्ट करेगी। ओके असी कह सकते हैं कि इलैक्ट्रिक डायपोल लवेंगे आप, हुण साढ़े पास की है कि असी पेयर ऑफ चार्ज लेना, पेयर ऑफ चार्ज पॉजिटिव नैगेटिव, ओके सेम मैगनीट्यूड के आप लै रहे हैं, ये दिमाग रखना। मैगनीट्यूड की स्टोरी की है मैं तुम्हें समझा रहा, पहले यह गल समझने की गलते, ओके ना वो आप कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि एक साढ़े को पॉजिटिव चार्ज है, दिस वन लेट बी प्लस क्यू आ वाला माइनस क्यू, ओके हूँ आप इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस देखनी है, बहुत ईजी जी गल। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस देखने लिए की करना कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, सामने पहला मैं एक पॉजिटिव चार्ज एक नैगेटिव चार्ज और मैं इतने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दी क्यू नॉट, ओके दैट्स अ पॉजिटिव चार्ज लेना इन आपने, और पॉजिटिव चार्ज की करेगा रिपेल करेगा, इसका मतलब पॉजिटिव ने रिपेल किया नैगेटिव ने अट्रैक्ट किया, एक फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा इन दैट डायरेक्शन इधर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि मैं जो आ पॉजिटिव चार्ज और आप नैगेटिव चार्ज एक लवान, तो उन्होंने एक इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करा,
ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਓਕੇ ਨਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਛਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ओके पहली लाइन आप ड्रॉ कर ली के इस तरीके ना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है पॉजिटिव टू नैगेटिव ओके जिदन यूनिट पॉजिटिव टच चार्ज जा रहा है इतने जो असं इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए दैट्स अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ पॉजिटिव और नैगेटिव दो रखा हुआ तो पॉजिटिव पहले करेगा नैगेटिव अट्रैक्ट करेगा जिस पाथ से मूव करेगा वही साढ़े को अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस होनी है ओके नाउ हूँ की इतना सारिया लाइन इतना ड्रॉ कर दी है नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता फिर ये कारण के लिए आप करिए इनू करने के लिए आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इतने इस जगह पर रखते हैं प्लस क्यू नॉट चार्ज इस पॉइंट रखे हूँ इतने ध्यान दो कि साढ़े को पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं ये इधर न फोर्स लग रही है ठीक है कि करके पॉजिटिव चार्ज करके ओके हूँ आ वाला जो नैगेटिव चार्ज आ इस अपने वालों अट्रैक्ट कर रहा है ये करके नैगेटिव और असी कूलम्स लॉ इन सुपरमियर प्रिंसिपल पढ़ा कि लगन वाली नैट फोर्स यद मतलब इतों कितने गब्बे होगी ओके यहाँ मतलब इस पॉइंट से इस इसली डायरेक्शन जा रहा ठीक है ना मेरा वाला हूँ जो जाता जाता मैं इस पॉइंट से रख लवा हूँ मैं कह कि यूनिट पॉजिटिव क्यों नॉट चार्ज इस पॉइंट से पहुँच गया ओके दैन फिर मैं कह पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा इधर थोड़ी डायरेक्शन ठीक है इधर और नैगेटिव चार्ज वालों अट्रैक्ट हो रहा तो यह पॉजिटिव करके हो रहा इस गल को ध्यान समझने की कोशिश करना तो हूँ यद रिजल्ट नैट फोर्स इधर न लगेगी ठीक है ओके हूँ यह इधर उतर पे इधर देखो हूँ जा शुरू च इतों इतने रखा सी ना मैं जो इन बिल्कुल इतने रख लवा इस पॉइंट से रख लवा तो यदि एक फोर्स इदा जा रही है इस पॉइंट से क्यों नॉट एक फोर्स इदा जा रही थी पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपेल कर रहे और एक फोर्स बिल्कुल इदा जा रही थी और नैट फोर्स इधर नो सी ठीक है मेरा बेटा ओके एफ इतने एफ असी कर लें नैट इधर इतने एफ नैट ओके ना हूँ मैं जो इसमें इतने रख देव इस पॉइंट से आप क्यों नॉट पॉजिटिव चार्ज लें तो हूँ आह वाली जी फोर्स आ यह तो लगेगी इधर ठीक है इस डायरेक्शन और आ नैगेटिव इस डायरेक्शन साढ़े पास और दैट्स अ नैगेटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ये जेड़ा ये थोड़ा इधर मुड़ जाएगा कहना मैं की चाहता हाँ कि ध्यान देखो कि हूँ ये दोनों ही चार्जिस करके फोर्स लग रही है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा नैगेटिव उन्होंने अट्रैक्ट कर रहा तो आ तो साढ़े को पता लग जाने कि चार्ज इधर न जाएगा इतों रखा इधर का सीधा सीधा ही कर जाएगा ठीक है बट ये हूँ सीधा नहीं इस इतने इस पॉइंट से पिया यूनिट पॉजिटिव टच चार्ज वो पहला इधर न जा रहा ही इधर चल जाना से सीधा बट नैगेटिव ने अपने वालों अट्रैक्ट कर लिया वो थोड़ा इधर न गया फोर्स करके ठीक है फिर वो होर इधर चला गया फिर वो होर इधर चला गया फिर वो होर इधर चला गया वो हौली हौली इस पॉइंट तक इस जगह तक पहुँच जाएगा ठीक है इस तरीके यूनिट पॉजिटिव टच चार्ज ओके हूँ मैं की बोलिया कि दो चार्जिस विचली इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस दो हो चार हो जो मर्जी हो शीट्स होे को वायरस हो साढ़े कुछ भी हो सानू उस चीज़ का फर्क नहीं पैंदा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ नू फॉलो करेगा उही पाथ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस का होएगा ओके हूँ सानू पता लग गया कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस का किहड़ा पाथ होएगा हूँ असी की करते हैं कि इसनों इतने समझने की कोशिश करते हैं हूँ साढ़े को पॉजिटिव चार्ज से आ नैगेटिव चार्ज से हूँ जे मैं कह कि वह बेचारा इधर न तुरया सी बट बैंड हो के वह इधर न आ गया ठीक है ना इस तरीके ना पॉजिटिव चार्ज और एक नैगेटिव चार्ज के यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिते रखे वो इस पॉइंट तो शुरू होकर इस पॉइंट तक चला गया ओके हूँ जे मैं होर बी चार्ज रखा हूँ मैं सिर्फ ऊपर रखा जो मैं नीचे रखा वो भी इतने इस तरीके नहीं जाएगा
सॉरी वो भी इस पाथ में फॉलो करेगा। जे मैं ऊपर रखा तो वो इस पाथ में फॉलो करेगा इस तरीके ना। जे मैं इतने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, ठीक है, तो वह इस तरीके ना इदा इस पाथ में फॉलो करेगा। ओके ठीक है, इस तरीके कुछ इस तरीके ना इधर साढ़े पास इस तो थोड़ी अदर फर्दर चार्ज जड़े है इस तरीके ना बढ़ जाएंगे। जे असी और बार चार्ज रखांगे असी इतने भी ड्रॉ करांगे इस तरीके ना। साढ़े को इस इत तक का इन्ना पोर्शन ही डिस्कस करा इस तरीके ना असी चार्ज नू रिप्रेजेंट करा। ओके इस तरीके ठीक है। ओके इस तरीके ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके ना फैल जाएंगे, मतलब ये एक पोर्शन दी है। इसका मतलब कि जे मैं अपने को पॉजिटिव और नैगेटिव चार्ज बनावा, इतने मैं बनावा एक पॉजिटिव क्यू चार्ज और एक नैगेटिव क्यू चार्ज, तो इतों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनस पॉजिटिव तो नैगेटिव हमने तक पता लग गया कि पॉजिटिव तो नैगेटिव क्यों लैनी है। ये जेडे पाथ है इतने पॉजिटिव चार्ज रखा यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पाथ से जाएगा, ये रखागा इस पाथ से जाएगा, थोड़ा उपरों लैके आवागा तो इस पाथ से चल जाएगा, थोड़ा होर इधर भी लैके आवागा तो इस पाथ से चल जाएगा, जो होर बार रखा कोशिश करेगा इधर न चल जाए पर बार नहीं। इस तरीके ना पॉजिटिव टू नैगेटिव इसे करके बोलिया जाता कि इलैक्ट्रिक फील्ड किधरों किधरों जाती पॉजिटिव टू सॉरी नैगेटिव इनवर्ट नैगेटिव, फिर इधरों इस तरीके ना इनवर्ट इस तरीके ना आउटवर्ट। ओके नाउ दैट्स इलैक्ट्रिक फील्ड, एक तो टू डिमेंशन जो थ्री डिमेंशन देखा वो सू कुछ इस तरीके देगी कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस जो इतने मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा वो इस तरीके ने इस पाथ में फॉलो कर दी जाएगी, इतने गब्बे रखता तो गब्बे चल जाएगी, जे इधर बाहर रखागा तो जे नैगेटिव आ इनवर्ड आएगी तो जे पॉजिटिव आ बाहर जाएगी। इट मीन यदि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस फॉर दैट केस वो इस तरीके ना साढ़े को बन जाएगी। इस तरीके ना असी कोई भी चार्ज लैके उसकी इलैक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं, असी यह देख सकते हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस किस पाथ में और किस डायरेक्शन मूव कर लगियां। उन्हें जानने का एक सौखा तरीका है कि तुसी बस की करो एक साढ़े पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट रखो, सानू कोई भी चार्ज दे दे जिन्ने मर्जी चार्ज दे दे उसनों रखण ते वो जिस डायरेक्शन नैट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी साडा चार्ज उस पाथ में फॉलो करेगा जिधर नूं फोर्स लगेगी और जिधर वो जाएगा वो साडे कोल की होएगी इलैक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, जिथे असीं इसदे असर नूं महसूस कर सकते हैं। साडे कोल एक डाइपोल दे लई एक इलैक्ट्रिक चार्ज दे लई दो पेयर ऑफ चार्जिज लई कुछ इस तरीके की होएगी, जिहदा मैगनीट्यूड बढ़ाउंदे दा मैगनीट्यूड घटाउंदे उह डिफरेंट डिफरेंट केसिस लई डिफरेंट डिफरेंट तरीके नाल हो सकदा। मतलब मैनू हुण प्रॉब्लम की सी कि इतनी जी दिखती गई सॉल्व करने एक पॉजिटिव चार्ज लाओ एक नैगेटिव चार्ज लाओ दोनों सेम मैगनीट्यूड है इलैक्ट्रिक फील्ड दसो बी की होएगी। तो मैं बड़ी सिंपल जी गल कही, मैं कहा देखो सौखी जी गल है मेरा बड़ा कि एक जानने का तरीका कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लो, आह चार्ज उन्होंने रिपेल कर रहा आह चार्ज उन्होंने अट्रैक्ट कर रहा है, जिस पाथ से मूव करेगा उही पाथ का होएगा इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस का पाथ होएगा। असी उसनों आलू तो तीलों नाल बना के देखे ठीक है। ओके सैकेंड केस जो नैक्सट असी डिस्कस करना है कि जे दोनों ही चार्ज पॉजिटिव होन या दोनों ही चार्ज नैगेटिव होन, इन ही केस क्या दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है तो फिर की होएगा। बहुत सौखा फिर कहानी उ जानने का सब ना सौखा तरीका कि दो चार्ज लाओ ठीक है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो वो बिटवीन रख दवो तो मेरा बेटा वो जिधर जाएगा उ पेयर ऑफ
चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दैट्स क्लियर। ओके नाउ दो चार्ज लेने आपने दो चार्ज केड़े केड़े अपने पास आप कहने एक चार्ज की लिया प्लस क्यू दूसरा भी आपने प्लस क्यू दोनों का मैगनीट्यूड सेम लिया हूँ यदि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस की हो फिर उही कहानी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो भी मैं मान लेना कि इस पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे मैं थोड़ा जहा उपर रखे ठीक है जो बिटवीन रख दे तभी पर मैं इधर रख लिया मतलब ए नू रिपेल कर रहा इधर नू रिपेल कर रहा यार इधर यह मतलब नैट फोर्स इदा जाएगी ये लग गया इस करके मैं थोड़ी इस फोर्स वालू मैगनीट्यूड ज्यादा रखे ओके की हो रहा रिपेल कर रहा यू अट्रैक्ट कर रहा ए नू रिपेल कर रहा सॉरी ए नू रिपेल कर रहा है ये मतलब एफ प्लस करके भी प्लस करके इधर नू और आ नैट फोर्स मतलब चार्ज इधर नू जाएगा इट मीन चार्ज इस पॉइंट तो उपर नू गया इतने एक पॉजिटिव चार्ज से नैट फोर्स वो एफ इधर नू लगी एक एफ इधर नू लगती सी एक एफ इधर नू लगती ठीक है इधर और इधर फिर चार्ज इतने पहुँच गया मेरा बेटा ठीक है इस तरीके ने फिर इन फोर्स ने रिपेल किया हूँ इधर नू इन इधर नू रिपेल किया यह चार्ज फिर किधर नू गया मेरा बेटा उपर नू ठीक है हूँ यदा मतलब कि आ जो चार्ज मैं इतने रखा सी तो यह कुछ इस तरीके ना मूव कर रहा उपर ठीक है हूँ जो मैं उही चार्ज इधर रख देव तो वह भी इधर नू रिपेल करेगा चार्ज इधर मूव करेगा इट मीन के दो पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस क्यू और प्लस क्यू ठीक है दो चार्ज का दूरी पॉजिटिव आ सेम मैगनीट्यूड दिया तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस कुछ इस तरीके की होगी आह एक आवली दूजी आवली आवली इतने चार्ज रखांगे इसका असर ज़्यादा होगा दूर चला गया इसका काट कुछ इस तरीके है ना ओके कुछ इस तरीके है ना पॉजिटिव दियां बार देखो दोनों चार्ज पॉजिटिव इस करके दोनों दियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस बार में ड्रॉ की उस तरीके ना इस तरीके कोई साढ़े को इलैक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ होनी दो सेम मैगनीट्यूड के चार्ज दियां मतलब दोनों चार्ज सेम मैगनीट्यूड के ओके यदा मतलब की है कि हूँ मैं इधरों लाइन ड्रॉ करता दोनों सेम इतने जो मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट देखो जो मैं इतने रखागा तो इधर निकलेगा जो इतने रखागा इधर निकलेगा इतने इधर बट जो मैं बिल्कुल सेंटर से रखा तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो किधर नू जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि जिनी फोर्स मैं इधर नू रिपेल करेगा उन्नी ना क्योंकि एको जी दूरी से एको जो मैगनीट्यूड इट मीन इस पॉइंट से नैट फोर्स ए रिलेटिड नुमेरिकल डिस्कस किया हुआ पहला ए मतलब इस पॉइंट से नहीं नैट फोर्स आ जीरो आ ओके किस डायरेक्शन जा रहा है फोर्स जीरो ठीक है किस डायरेक्शन नू चार्ज नहीं जा रहा इलैक्ट्रिक फील्ड भी जीरो जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है इट मीन इतने किसी तरीके की इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं ए न्यूट्रल पॉइंट नल पॉइंट है इस पॉइंट से इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो इस करके इस पॉइंट से कोई इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी ड्रॉ नहीं हो रही रिपीट जे तो ओके सॉरी दोनों पॉजिटिव चार्ज आए हैं पेयर ऑफ चार्ज लेते हैं दोनों पॉजिटिव दोनों का सेम मैगनीट्यूड है तो आपने रखा आपने देखा कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो नैट फोर्स दोनों के असर करके इसको इस पाथ के ऊपर ले जाएगी और जिस पाथ से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर जाएगा साढ़े को इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस हो गई बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भी पॉजिटिव चार्ज आपने क्यों लिया नैगेटिव क्यों आपने कोई चार्ज लेना सी आपने पॉजिटिव चार्ज मान लिया पॉजिटिव चार्ज जो पास से जाएगा वो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस हो गई जिस बनाने वाले हूँ कहीं नैगेटिव चार्ज लेना तो नैगेटिव चार्ज ले इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस फोट हो जाए बट नहीं दिमाग च रखना कि आपने की लेना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही डिस्कस करना पॉजिटिव चार्ज ही मूव करना हूँ जे ये मेरा बच्चा दोनों ही चार्ज नैगेटिव होंगे तो आ जड़ियाँ फोर्स आउटवर्ड लग रही ने सेम इस तरीके सारिया फोर्सिज इनवर्ड हो जानिया सी ठीक है और पाथ इस तरीके इस पाथ से फॉलो करते आना सी ओके यदा मतलब कि जे ये दोनों चार्ज नैगेटिव होंगे और सेम मैगनीट्यूड के होंगे तो जड़ियाँ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ड्रॉ हो रही है जे दोनों चार्ज नैगेटिव होंगे तो जड़ियाँ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस असी ड्रॉ कर रहे हैं आउटवर्ड न सारिया इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस किधर आ जानिया सी इनवर्ड ओके
इस दे विच भी जे मैं एक चार्ज इस पॉइंट ते रखदा क्या हूँ नॉट ता एन भी अट्रैक्ट कर मैं एन फिर उन्होंने एक दूसरे फैक्टर कैंसिल आउट करके इस पॉइंट ते इलेक्ट्रिक फील्ड फिर द्वारा कितनी लैनी जीरो ये